अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेणु तिवारी और यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि कोरोना वायरस के बाद आपके शरीर पर किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक हाल ही में नई बीमारी चली है जिसमें कानों का फंगस हो जाता है, यानी कि कान में, गले में, नाक में आपको कुछ फंगस जैसा महसूस होगा और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अधिकतर देखा गया है कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग होते हैं और संक्रमण जब ठीक हो जाता है उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। आखिर ये क्या है, कवक फंगस क्या है और ये क्यों हो रहा है लोगों को, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जो इस बीमारी के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगी और बताएंगी कि आप अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं तो आपको किस तरह की चीजें करनी चाहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। तो अगली मुलाकात करेंगे हम डॉक्टर दीपाली भारद्वाज से। जी, ये जो ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के बारे में हम सुन रहे हैं ये एक पुरानी बीमारी है, मगर आज जो ये वापस उठ के आ रही है, इतने केसेस हम देख रहे हैं, उसके तीन मेन कारण हैं। एक कि लोग सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, स्टीरॉयड्स को या उन डॉक्टर्स से ले रहे हैं जिनको शायद स्टीरॉयड पहले देने का पता नहीं है या जिन्होंने पहले दिए नहीं हैं। लोग अपने आप घर के अंदर स्टीरॉयड का स्प्रे ले रहे हैं जब से वो स्टडी आई कि अस्थमा लोगों में कोरोना सीरियस नहीं होता है। दूसरा कारण कोविड इटसेल्फ हो सकता है कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी घटी हुई हो, जब हम डॉक्टर्स को देना ही पड़ता है स्टीरॉयड और उस वक्त कोविड के वायरस की वजह से भी ये बन सकता है। और तीसरा कारण जो पहले से हमेशा से रहा है वो है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो और उसके साथ स्टीरॉयड दिया जाए तो बहुत इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बन जाता है। ब्लैक फंगस के सबसे कॉमन साइंस देखे जाते हैं हेडेक, चीक्स में पेन, फेस पे हल्की सूजन, नोज में ब्लीडिंग देखी जाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, डबल डबल दिखाई दे सकता है, आंख के पीछे जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा कॉमन और खतरनाक साइन होता है। इसके लिए सबसे जल्दी अगर पकड़ में आ जाए कि म्यूकर माइकोसिस जैसी सिम्टम साइंस आ रहे हैं तो अच्छा रहता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा, एक लाइपोसोमल इंजेक्शन ही दिया जाता है, ओनली ड्रग ऑफ चॉइस लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जिसे कहा जाता है, इसके आईवी इंजेक्शंस लगते हैं। और दूसरी चीज, इसमें नेजल सर्जरी करनी पड़ सकती है, जॉ बोन, नोज बोन, यहाँ तक कि आंख को भी निकालना पड़ सकता है। अपने आप घर में स्टीरॉयड शुरू ना करें, आपके पास एक नहीं तो दूसरा डॉक्टर भी स्टैंड बाय पे होना चाहिए कि अगर कुछ इमरजेंसी हो और आपको घर पे ही आप होम केयर में हो तो अगर एक डॉक्टर बिजी हो तो दूसरे से आपकी बातचीत हो सकती है, किस तरह आपको स्टीरॉयड शुरू करना है, टेपर करना है, बंद करना है, उसके साथ क्या क्या एहतियात बरतनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैम, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।